सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से झारखंड समानी स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड सीजीएल के बारे में, जेएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको भरने के लिए कितना फी का जरूरत है। तो आप देखिए, परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। तो किसके लिए है? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी के लिए, ओबीसी 1, ओबीसी 2, क्रिमिनल ईयर जो आता है उसके लिए। एससी एसटी के फ्रेंड्स, एससी एसटी के लिए आपका 50 रुपया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें पद देखिए फ्रेंड्स, कौन सा पद में आपको जॉब लगेगा, कौन सा पद में आप काम कीजिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो फ्रेंड्स बहुत पावरफुल जॉब है, इसका आपको झारखंड सचिवालय में ही काम करने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कुल कितना पद है? तो 863 पद है। इसमें भी आपको देखिए कैटेगरी बांटा गया है, जनरल के लिए है 347, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना फ्रेंड्स। इसमें भी महिला को बांटा गया है, और आगे देखिएगा तो खेलकूद कोटा हो गया फ्रेंड्स, और विभिन्न डिसेबिलिटी के लिए बांटा गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स और भी महत्वपूर्ण पद के बारे में, कनीय सचिवालय सहायक टोटल पोस्ट कितना फ्रेंड्स? तो टोटल है इसमें 335। इसमें भी आप देखिए बांटा गया है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इस प्रकार से विभिन्न पदों के बारे में जानते हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कितना है टोटल पोस्ट? टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स 182। इसमें भी बांटा गया है कैटेगरी वाइज। आगे पोस्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्लानिंग असिस्टेंट टोटल पोस्ट 5, आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी टोटल पोस्ट कितना है फ्रेंड्स? टोटल है आपका 195। इसमें भी आप देखिए तो जनरल के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए फ्रेंड्स आगे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसमें टोटल पोस्ट 252 है दोस्तों। इसमें भी आप देखिएगा तो जनरल, एसटी, एससी इस तरह से बांटा गया है। अब लास्ट फ्रेंड्स ये देखिए, अंचल निरीक्षक सकनुंगो यानी सर्किल इंस्पेक्टर, आप सीआई बनिएगा, इसके लिए कितना फ्रेंड्स? तो टोटल पोस्ट है 185। आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा है और महत्वपूर्ण पद है। आप देखिए फ्रेंड्स ये कितना पे लेवल जॉब है इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे लेवल जॉब, अब सबसे इम्पोर्टेंट पे लेवल जॉब है पे लेवल 7, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसमें आप देखिए 44,900 से 1,42,400 रुपया तक है। इस प्रकार से पे लेवल देखिए फ्रेंड्स, कनीय सहायक, कनीय सचिवालय सहायक लेवल 2,
श्रम परिवर्तन पदाधिकारी लेवल 6, प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 5 का जॉब है फ्रेंड्स, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी लेवल 6, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लेवल 6 का जॉब है। आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा लेवल 6 का पोस्ट है और एक तो लेवल 7 का है और एक लेवल 2 और लेवल 5 का जॉब है इसमें फ्रेंड्स। अब आगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। ये सब जो है ये सब खेल कूद कोटा के अंतर्गत में जो भी कैटेगरी में जो भी मेडल लाते हैं उसके लिए है। अब देखिए फ्रेंड्स आयु सीमा आप देख ही रहे हैं। ये आयु सीमा फ्रेंड्स तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो मिनिमम एज माना गया है 21 साल। आप देखिए जनरल के लिए 35, ओबीसी 1 ओबीसी 2 पुरुष के लिए 37, अगर महिला है ओबीसी 2 में तो उसके लिए 38 और SC ST को 40 साल मिनिमम मतलब मैक्सिमम एज होना चाहिए। आप देखिए महत्वपूर्ण बिंदु फ्रेंड्स आगे आरक्षण का जो लाभ लेंगे उसके लिए स्थानीय प्रमाण पत्र जरूरी है। स्थानीय प्रमाण पत्र में आपको अगर जनरल से भर रहे हैं तो 2/6/2016 से अनुमंडल या DC लेवल बोल सकते हैं, यानी DC लेवल, SDO लेवल और CO लेवल ये तीनों होना चाहिए इस डेट के बाद का। इस प्रकार से आप देखिए सुधार भी हुआ था कुछ स्थानीय प्रमाण पत्र में कि 19/7/2019 के बाद भी आप दे सकते हैं अगर आप अंचल लेवल से आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें एक महत्वपूर्ण बोला गया है कि इससे पहले 2/6/2016 से पहले का कोई भी स्थानीय प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो वैलिड नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस पर ध्यान देने का है। अब देखिए फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र में आपको तो पता ही होगा कि आपके पास आप SC ST से हैं तो आपके पास उपायुक्त अनुमंडल या CO लेवल से बना हुआ है तो आपका वैलिड है। CO लेवल से अगर बनाए हैं तो इस डेट के बाद से आपका वैलिड होगा। अगर SDO और DC लेवल से बनाए हैं तो आपको किसी भी डेट का बना हो वैलिड है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा का आपका पैटर्न कैसा रहेगा तो पैटर्न परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम में क्या है यानी सिलेबस और पैटर्न क्या है आपका तो इसका जो आपका एक ही चरण में आपका एग्जाम होगा यानी मेंस का एग्जाम होगा। एक ही चरण में एग्जाम लिया जाएगा इसी में आपको ज्यादा नंबर लाना है इसी में से मेरिट बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स और ये कैसा होगा तो MCQ होगा। अगर आप प्रत्येक सही के लिए 3 नंबर मिलेगा अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सिलेबस को देखिए तो सिलेबस जो है फ्रेंड्स कैसे हैं तो सिलेबस है आपका पहला पेपर जो रहेगा 120 नंबर का रहेगा और आपको समय कितना दिया जाएगा फ्रेंड्स 2 घंटा। आप इसमें देखिए कि इस सिलेबस में क्या है तो हिंदी है और इंग्लिश है तो हिंदी में भी क्या है तो हिंदी में आपका 60 नंबर का रहेगा और इंग्लिश में भी आपका 60 नंबर रहेगा और 60 नंबर जो रहेगा फ्रेंड्स ये आपका रहेगा
जो 60 नंबर रहेगा फ्रेंड्स ये आपका रहेगा जो 60 नंबर रहेगा फ्रेंड्स ये आपका रहेगा हिंदी अनुच्छेद पर आधारित रहेगा 30 नंबर और हिंदी व्याकरण पर रहेगा आधारित 30 नंबर। यानी इसमें पैसेज रहेगा 30 नंबर का और हिंदी ग्रामर रहेगा 30 नंबर का। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखिए फ्रेंड्स तो इंग्लिश में भी आपका पैसेज से रहेगा 30 नंबर और इंग्लिश ग्रामर से रहेगा आपका 30 नंबर। तो ये होगा पेपर वन 120 मार्क्स का रहेगा टोटल और आपको इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है ये फ्रेंड्स, ये क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको इसमें क्वालिफाई सिर्फ करना है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा। अब क्वालिफाई करने के लिए भी आपको कितना नंबर का जरूरत पड़ेगा दोस्तों तो आपको 30% लाना है, मतलब 120 में आपको क्वालिफाई करने के लिए 36 मार्क्स का अनिवार्य जरूर से जरूर इतना नंबर लाना पड़ेगा 36 मार्क्स, तभी आप इसमें क्वालिफाई कीजिएगा। तो ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है इस सभी के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स आगे आगे क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, पेपर इसको टू बोलते हैं फ्रेंड्स, पेपर टू ये है पेपर टू रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा। इसमें आपको जो भी भाषा का जानकारी है वो भाषा आप ले सकते हैं इसमें, इसमें जो भाषा है हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली इस प्रकार से आप देखिए बांग्ला मुंडारी हो खड़िया कुड़ुक कुरमाली खोटा नागपुरी पंचपरगनिया उड़िया संस्कृत, आप इतना सारा भाषाओं में से जिस भाषा में आपको रुचि है ज्ञान है वो भाषा आप चुन सकते हैं और ये मेरिट पेपर में जुटेगा। आइए रहेगा टोटल 100 नंबर का और ये भी एमसीक्यू में रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा फ्रेंड्स और इसमें भी आपको पास करने के लिए मिनिमम 30% अंक अगर आप लाते हैं तो आप समझिए पास है, अगर इससे कम लाते हैं तो फेल है, आपको कॉपी जांचने होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स पेपर थर्ड फ्रेंड्स ये पेपर थर्ड है, इसमें आपको सामान्य ज्ञान का 150 क्वेश्चन रहेगा और समय आपको कितना देगा फ्रेंड्स 2 घंटा। अब इसमें भी सामान्य ज्ञान में 150 जो है वो बटा गया है, सामान्य अध्ययन में आपको 30 मार्क्स का, इसमें आपका इंडियन भी जुड़ सकता है, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय इतिहास भारतीय भारत का भूगोल राजनीति अर्थव्यवस्था और आपका इसमें जुटा हुआ झारखंड का भी रहेगा और प्लस आपका करंट अफेयर भी रहेगा फ्रेंड्स झारखंड का भी और हो सकता है इंडिया हो क्या सकता होगा इंडियन का भी करंट अफेयर्स रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे सामान्य ज्ञान ये कितना है 20 मार्क्स का, फिर सामान्य गणित 20 मार्क्स का, फिर मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग कितना का है 20 मार्क्स का, कंप्यूटर का ज्ञान 20 मार्क्स का और सबसे इम्पोर्टेंट अगर झारखंड में आप रह रहे हैं तो झारखंड ज्ञान नहीं जानिएगा तो फिर कैसे इसको पास कीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 40 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका 150 मार्क्स का हो गया और इसको पास करने के लिए आपके पास 2 घंटा दिया है, आप जितना 2 घंटा में सही और गलत कर सकते हैं और इसको ही पास करने के लिए फ्रेंड्स आपको कम से कम आपको 30 मार्क्स नंबर लाना जरूरी है, 30 मार्क्स से अगर कम लाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा मतलब आप फेल होगे। तो इसका सिलेबस इतना है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कुछ कमेंट कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार और जोहार।